उत्तर प्रदेश के दिल में एक रहस्यमयी और भयानक जगह है, कैमूर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, जहां कहानियों और भूत प्रेत के किस्से जंगल की तरह गहरे हैं। ये सेंचुरी अपनी गहरी झाड़ियों और भयानक खामोशियों के लिए मशहूर हमेशा से लोगों में उत्सुकता और डर का विषय रही है। इस जंगल के किनारे पर एक प्यारा गांव है मंडावरा, जहां पीढ़ियों से पैरानॉर्मल एक्टिविटीज की बातें होती आई हैं। एक ठंडी धुंधली शाम को 5 दोस्तों का एक समूह, सारा जो सबसे बहादुर थी, रोहित जो अपनी मजाक भरी बातों के लिए जाना जाता था, नेहा जो हमेशा समस्या का समाधान करती थी, अमित जो थोड़ा डरपोक था और प्रिया जो हर बात में शांति बनाए रखती थी, इन सब ने कैमूर के गहरे जंगल में जाने का फैसला किया, उम्मीद करते हुए कि वे उस मशहूर भूतिया जंगल के रहस्यों को समझ पाएंगे। पर उन्हें क्या पता था कि उनका ये एडवेंचर एक ऐसी डर की रात में बदल जाएगा जो वो कभी भी भूल नहीं पाएंगे। जैसे जैसे वे जंगल में गहराई तक जाते हैं, उन्हें महसूस हुआ कि तापमान अचानक गिर रहा है और पेड़ उनके चारों ओर गिरते जा रहे हैं। हवा में एक अजीब सी खामोशी थी, जिसे सिर्फ उनके कदमों के नीचे पत्तों की चरमराहट तोड़ रही थी। अचानक वे हल्के फुसफुसाहट सुनते हैं, जो बहुत धीमी है लेकिन हड्डियों तक को ठंडक पहुंचाने वाली है। उसी वक्त वो आपस में बातें करनी शुरू करते हैं। सारा, ये आवाजें कैसी हैं? ये काफी डरावनी लग रही हैं। रोहित, शायद ये बस हवा है, लेकिन हे भगवान, ये जगह तो सच में भयंकर है। नेहा, हमें देखना चाहिए कि ये आवाजें कहाँ से आ रही हैं। शायद हमें कुछ दिलचस्प मिल जाए। फुसफुसाहटों के स्रोत का पता लगाने के लिए वे उसके पीछे चलते हैं, जो उन्हें एक पुरानी त्यागी हुई और टूटी हुई झोपड़ी तक ले जाता है। झोपड़ी का दरवाजा चरमराता हुआ खुलता है और अंदर वे फर्श पर बिखरी हुई पुरानी पीली तस्वीरें पाते हैं। तस्वीरों में एक परिवार को दिखाया गया था जो कभी वहां रहता था, खुश चेहरों वाले, जिन्हें अब भुला दिया गया है। कमरे के कोने में एक धूल से भरी डायरी सारा की नजर में आती है और तभी सारा बोलती है, देखो ये एक डायरी है, आओ इसे पढ़ते हैं। जैसे ही वो डायरी को पढ़ती है, एक भयंकर कहानी सामने आती है। परिवार एक रात में रहस्यमय तरीके से गायब हो गया था, बिना कोई निशान छोड़े। आखिरी पन्ने पर उन्हें एक जंगल से गूंजती हुई अजीब आवाजों और दृष्टि के हटकर चलती हुई छायों का जिक्र था। फुसफुसाहट और तेज हो जाती है और झोंपड़ी की हवा बर्फ की तरह ठंडी हो जाती है। तभी अमित बोलता है, मुझे नहीं लगता हमें यहाँ रहना चाहिए, ये जगह अच्छी नहीं लग रही। अचानक से टॉर्च की रोशनी झपकती है और बंद हो जाती है, जिसे झोपड़ी में अंधेरा छा जाता है। जैसे ही ठंडे हाथ उनके कंधों पर महसूस होते हैं और उनके चारों ओर छायादार आकृतियां चलती हैं, डर बढ़ जाता है। फुसफुसाहट उनके दिमाग में डर भर रही होती है। तभी प्रिया बोलती है, चलो यहाँ से भागते हैं, मुझे बहुत डर लग रहा है। किसी तरह वो झोपड़ी से भागकर जंगल के बाहर निकल जाते हैं। फुसफुसाहट उनका पीछा करती है और उनके साथ साथ चल रही होती है। जब वे जंगल के अंत तक पहुंचते हैं और किनारे पर पहुंचने पर वे हाफते हुए और कांपते हुए गिर जाते हैं। फुसफुसाहट बंद हो जाती है, लेकिन डर उनके दिमाग में छा जाता है। तभी सारा बोलती है, हमें इस जंगल के बारे में कभी किसी से बात नहीं करेंगे, ये जगह सच में खतरनाक है। उस दिन के बाद उन्होंने कभी भी कैमूर के भूतिया जंगल के बारे में बात नहीं की, लेकिन कभी कभी ठंडी धुंधली रातों में वे अब भी सबसे हल्की सी फुसफुसाहट सुन सकते हैं, जो उन्हें उस भयंकर राक्षस के बारे में याद दिलाती है जो वहां छिपा हुआ था। और यही है कैमूर के भूतिया जंगल की कहानी। आराम से सोएं और याद रखें,
कुछ कहानियां बेहतर होती हैं जब वे बिना खोले रह जाती हैं। थैंक यू फॉर लिसनिंग दिस पॉडकास्ट। अब हम नेक्स्ट पॉडकास्ट में मिलेंगे। अगर आपको ये पॉडकास्ट अच्छा लगा तो इसको प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।